उत्तर प्रदेश के बरेली में देवरनिया थाने में तैनात दरोगा पर 50,000 रुपए रिश्वत मांगने और युवक को जबरन शराब पिलाने का आरोप लगाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दरोगा शराब के नशे में धुत दिखाई दे रहा है। एसएसपी ने वीडियो का संज्ञान लेने के बाद आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही मामले की जाँच शुरू कर दी है। मामला दो पक्षों में पैसों के विवाद का बताया जा रहा है। एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग देवरनिया थाने के उप निरीक्षक पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। वीडियो की जांच कराई गई है। इसमें दरोगा अपने एक साथी मिट्टू के पक्ष में गए थे। इनका दूसरे पक्ष का पैसों का विवाद चल रहा है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि एसआई शराब के नशे में थे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी शराब के नशे में होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट एसएसपी को भेजी गई है। रिपोर्ट आने के बाद एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि दरोगा ने पैसों के लेन देन के विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, उसको जबरन शराब पिलाई। शराब के नशे में धुत दरोगा युवक के घर 50,000 रिश्वत मांगने पहुंच गया था। रिश्वत नहीं देने पर दरोगा ने युवक को जेल भेजने की धमकी भी दे डाली। युवक ने शराबी और घूसखोर दरोगा की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति थाना क्षेत्र देवरनिया में नियुक्त उपनिरीक्षक पर कुछ आरोप लगा रहे हैं। उस वायरल वीडियो की जांच कराई गई तो पाया गया कि उपनिरीक्षक अपने एक साथी मिट्ठू के फेवर में दूसरे व्यक्ति विनोद से, जिनका आपस में पैसे का लेन देन का विवाद था, उस संदर्भ में गए थे। इस प्रकरण में उपनिरीक्षक चूँकि शराब के नशे में भी थे, उनका मेडिकल कराया गया तो वो भी इंटॉक्सिकेशन की हालत में पाए गए हैं। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को आख्या प्रसिद्ध की गई है, जिसमें उनके द्वारा उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।